everyone and welcome back to my channel. और आज हम जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया जगह और wow, cool लग रहा है काफ़ी. Yes, my बिंदी, ये cool लग रही है. तो आज हम जा रहे हैं घूमने, कहाँ वो आपको जल्दी पता चल जाएगा. फ़िलहाल मैं अपने एक लीचर फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, सो उसके बाद आपको मिलती हूँ और दिखाती हूँ आज की एक्सप्लोरिंग जगह. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. प्लान में कुछ चेंजेस हैं तो अब मैं उसको जा रही हूँ लेने और उसके बाद हम आगे की व्लॉगिंग करेंगे. राइट, सो ये सो यार हम आ चुके हैं, हमने टोकन ले लिया है और हम अंदर जा रहे हैं. अंदर दिखाने होंगे, जब पता था तब क्यों दोबारा पूछा. ये तो मुझे याद है. और हमारा ट्राइपॉड ले लिया गया हमसे. अब हम वीडियो नहीं बना सकते हैं. क्यों नहीं बना सकते हैं? हम बना सकते हैं. अच्छा, तो हमने एंट्री कर ली. तेरे साथ बहुत बुरा हुआ. नहीं, निकल जाओ यहाँ से अभी अभी. बहुत ही बुरा हुआ इसके साथ. तो हम आ गए हैं कुतुब मीनार. बहुत ही गंदा मौसम हो रहा है. हम देख सकते हैं, आप जो भी लोग दिल्ली के बाहर रहते हैं, ये बहुत ही लंबा है. और आपको पता है ये क्यों बनाया गया था? गोला नहीं, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं. अगर आपको आइडिया है तो आप बता सकते हैं. ये जो दिल्ली का लास्ट हिंदू राजा था ना, उसको हराने के बाद कुतुब ने बनाया था. हाँ, अपनी विक्ट्री पर, अपनी विक्ट्री पे उससे बनवाया था. और इसमें इंडो और मुगल आर्किटेक्चर दोनों ही शामिल है. देखो गिरने जैसा हो गया ना. क्या ऐसे गिर जाएगा? क्या गिर जाएगा ये? इतने साल से तो नहीं गिरा. तुम कल की लड़की आई भी बोल रही हो गिर जाएगा. अभी तक ये नकाशी जो है अभी तक इन पिलर्स पे है. क्या मैं कह रही थी, अभी तक इन पिलर्स पे ये नकाशी है. मतलब देखो कितना छोटा भी, कितना 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 बारीकी से किया गया है. ये है डिटेलिंग जो आज कल के कारीगर लकड़ी पे भी अगर करेंगे तो उन्हें मशीन से करना पड़ेगा. ये है डिटेलिंग. ये देखो, देख रहा है? और यहाँ आए नहीं कभी, तो प्लीज़ आइए एक्सप्लोर कीजिए. हमें तो लगा था कि बहुत अच्छा मौसम होगा यहाँ पे, बट मौसम बड़ा गंदा है. पर घूमने की जगह अच्छी, बट मौसम नहीं सब बहुत घटिया. गोला को बिहारी मजदूरी मिल गई है अपनी एक दिन की. और ये देखो गोला फोटोग्राफर बन गए, बिहारी मजदूरी कर रहे हैं.
सी दस समेट हैं, तो सब एक लाइन में बराबर हैं और काफ़ी अच्छा है यार। मैं बहुत टाइम पहले आई थी जब यहाँ पे डांस शूट के, तो उस टाइम पे बहुत टाइम हो गया उसको आए हुए। पर सांप वाप ना हो यहाँ पे, चलो उस वाले पे चलो, होगा तो नमस्ते कर लियो शंभू का। हाँ यार कहाँ ले गई तू? हाँ डर लग रहा है अब। मैं बोल रही थी तो नमस्ते कर लियो। डर लग गया ना? बैक साइड में आ गया हो रहा कुतुब मीनार। बहुत ही ज़्यादा धूप गर्मी पड़ गई है, हमने सोचा क्या है थे इतने अच्छा मौसम हो रहा है, सुबह सुबह बारिश वारिश हो रही है और यहाँ पे इससे गोबर जैसा मौसम। अरे आज पता है बहुत गर्मी हो रही है यार, जगह तो अच्छी है पर गर्मी बहुत अच्छी है। तो हम इस बकबरे के नीचे बैठे हैं, वहाँ बहुत ही ज़्यादा घंटी गर्मी हो रही है। आई डोंट लाइक इट। तो आज का प्लान नॉट सो गुड प्लान आने का, बहुत गर्मी और धूप इतनी तेज है, मतलब बारिश के बाद वाली जो धूप होती है ना एकदम तेज कड़क वो है। आई थोड़ी सी आई है हवा, आई है हवा, ठंडी ठंडी आई है, ये होती है इसी। मतलब सब लोग आके ना यहीं बैठ रहे हैं क्योंकि हवा आई सब लोग आके यहीं बैठ रहे हैं क्योंकि गर्मी में आती है। नहीं यहाँ बोलो नहीं। एंड दिस इज जो सेकेंड कुतुब मीनार होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मैं बन पाया क्योंकि जो आई थिंक खिलजी थे वो खिलजी उनका स्वर्गवास होने के बाद फिर वो ये कभी बोले। और अमीर खुसरो की जो भी है डैश 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 हमने जो पढ़ा था उसका डैश 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 वो ये सब है। गोला बहुत गर्मी हो रही है यार। चलो ये था यार जो भी था, मतलब इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ बढ़िया बढ़िया तो नहीं है, फॉरनर्स ही नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स आजकल ज़्यादा चल नहीं रही है, तो घूमने भी बहुत कम ही लोग आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। सो यही था, आ जाके देखते हैं कुछ खाते पीते हैं अगर मिलता है, और नहीं मिलेगा तो फिर सीधा घर पे मिलेंगे। वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ। चलो हमने पहले ठंडा पानी तो पी लिया है, हम बाहर जाके कुछ खाते पीते हैं। तो हम आ चुके हैं बाहर और ये रहा कुतुब मीनार, जिसको हम लेक डाक पे आ चुके हैं, वहाँ से हमने एग्जिट कर लिया है, अपना ट्राइपॉड ले रहे हैं, हमें दोबारा से एंट्री जाना है। ओला को मिल गया हमारा ट्राइपॉड वापस। यस कम ऑन बेबी, कम ऑन बेबी, आओ करे डांस शुरू। और हम इतनी देर से वेट कर रहे थे वहाँ कुतुब मीनार में कि बारिश हो, हो 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 बारिश हो, वहाँ पे तो इतना गंदा मौसम और बारिश भी नहीं। और हम आए हैं फाइनली यहाँ गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में, अंदर जाके क्या होता है। बारिश तो हो रही है, टिकट हमने ले ली है, गलती कर दी शायद, जैसी रुकेगी फिर हम अंदर जाएंगे। पर ये रुके तो से और हम यहाँ छुप के बैठे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने लगी है। तो हम एक खिड़की का सहारा लेके, ये टिकट काउंटर है इस तरफ, टिकट काउंटर है इस तरफ, खिड़की का सहारा लेके हम यहाँ बैठ गए हैं। थोड़ी बारिश हमारे ऊपर भी हो रही है बट क्या करें, अच्छा है ना, अच्छा तो है, पर अभी फ़ोन वोन है ना वरना भीग भी लेते हैं साथ में। और हम मैं थैला लेके आई हूँ, मतलब वो कपड़े वाला, तो इसलिए अंदर चले जाते। हाँ अंदर चले जाते फिर तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता, देखो ऐसे टॉम जैसा बना हुआ है ना, फिर और मज़ा आता। हाँ बाहर ही रह गए तब तक
बारिश जब तक टिकली तब तक इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश ना और तेज और तेज हो जा रही है। चाट चाट एकदम ये सही तरीका है। अब बोलो पानी भी तो पीना था, पानी कैसे पियो? आगे कर दूंगा। डेडिकेशन। तो अब हमने इधर ही खाना शुरू कर दिया क्योंकि अंदर जाने का कोई सीन नहीं है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और भूख भी लग रही थी। तो अभी यहाँ ही खाएंगे और मैं ले आई थी घर से पराठे और चटनी, आलू का पराठा और चटनी। मैं बोला मैं यहीं खाना है, जब बारिश बंद होगी अंदर जाएंगे थोड़ा घूमेंगे और उसके बाद महाराजा के कुछ देखेंगे, अगर खाना है तो खाएंगे वरना घर। 3:30 तो शायद बन ही चुके हैं। ये गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में अगर आपने वो देखा हो नीचे तो मैं भी दिखा दूंगी। वहाँ पे लिखा था डू नॉट टच और शेक और मैंने उसे और गिरा भी दिया गोला बदतमीज, इंसान गिरा दिया। मैंने वो ऊपर पहाड़ी की तरफ आ गया, नहीं पता ही कहाँ है कैसे, बस हम यहाँ आ गए। और ये और जो भी है हम ऊपर जाके देख लेंगे ना, अभी यहाँ पे ऐसे स्टैचू बने पड़े हैं। हम तो पहली बार आए हैं उस जगह पे, मुझे नहीं पता था, मतलब नाम तो सुना था मैंने गाड़ा 5 सेंसेस, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था। और ये आपको साकेत में आपको दिख जाएगा यहाँ पे, तो थोड़ी सी ऊँचाई में आके अगर आप देखोगे तो इस तरह का कुछ दिखता है और कुछ भी दिख जाएगा आप लोगों को। उसके लिए आपको ऐसे देख लेना, आप कैमरे की ज़रूरत नहीं है। क्या दिखा भाई ये? हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ये सब लोग बैठी हुई हैं, कन्या दुष्कन्या हैं ये, इनकी आत्मा है। रात में ये जाग जाती है और ऐसे ऐसे भागती है। ये दुष्कन्या है सिर्फ इसकी कहानी में, वैसे ये कुछ है नहीं। गोला भी एक दुष्कन्या जरूर थोड़ी, दुष्कन्या सिर्फ नागिन के रूप में दिखे। हाँ नागिन के रूप में दिखती है, तुझे यही पता नहीं, सारी नहीं दिखती, ऐसा कुछ नहीं पता। ये रात को ऐसे उठ जाती है, करती जगह तो है पर हमारे मतलब की नहीं थी शायद। मत करो बोला। और हमें एक जगह मिल गई जहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ से जाएंगे, और बोला तो पहुँच भी गई। आराम से गोला, आपकी शादी होने वाली है। यार मेरे को डर लग रहा है थोड़ा उसके चढ़ने से। घर हाँ डर लग रहा है। पहुँच गई आती हुआ अभी। चलो गोला आराम से करना, एकदम आराम आराम से। तो यहाँ से बुरी दिल्ली दिखती है वैसे, हमें यहाँ पे चढ़ना तो से है। लवर्स के नाम तो यहाँ नाम क्या लिखे हैं? खुशी पार्क के। हाँ मुझे लग रहा है हम थोड़ी अच्छी वाली साइड आ गए हैं, जहाँ पे थोड़े से और मैंने बहुत मज़े लिए हैं। जहाँ लोग बहुत मज़े लिए मैंने तो हाँ तो हम
लोगों को छेड़ के परेशान कर रहे हैं। लोगों ने तो एग्जिट कर लिया है गार्डन से, बट बाहर का तो बिल्कुल भी अच्छा माहौल नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल तालाब बन गया भाई साहब। ओ गोला, गोला हम तो अंदर गार्डन के मजे ले रहे थे, यहाँ तालाब के तो यहाँ ले रहे हैं हमें। ओए रब्बा, और स्कूटी में पता है अगर मैं स्कूटी ऐसे चला के लेगी स्कूटी पक। गाइस हम यहाँ से तो निकल गए थे बट बहुत ही मुश्किल से घर पहुँचे क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी और आगे का व्लॉग भी नहीं बना पाई। बट ये व्लॉग कैसा लगा मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो प्लीज़। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो एंड अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में, होपफुली कुछ अच्छा ही होगा। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय बाय, टेक केयर। 17